भैया थोड़ी लिफ्ट दे दोगे आगे तक। तो गाइस अभी मेरा फ़ोन का तो बैटरी हो गया ख़त्म बहुत ज़्यादा। अभी हितेश वाले फ़ोन से कर रहे हैं हम शूट, तो अभी हम पूछा है हमने कि कहाँ पे क्या सीन है, तो उन्होंने बताया वहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है, वहाँ पे रोड पे हमें मुड़ना है, वहाँ पे लेटे हनुमान जी का मंदिर, तो हमें लेटे हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाना। अभी हमें जाना है सामने, उन्होंने जो साइड में आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है अकबर का किला। ये हमें बोट वाले ने बताया था वैसे भी, ये है अकबर का किला, यहाँ पे अकबर रहते होंगे या फिर कुछ करते। गाइस अभी हमने ये तो ले लिए लड्डू तो हम ले चुके, अभी बारी है अंदर जाके दर्शन करने की। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, देखिए अभी लगते हैं लाइन में, देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जियावर रामचंद्र की जय। जय बल्लभ। गाइस इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस, मतलब इतना टाइम नहीं लगा, काफ़ी सही था। मतलब भगवान जी वहाँ पे नीचे लेटे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा जाके। समय कहाँ लगा दिए वे, बस मैं थोड़ा दर्शन वर्शन करने लगा, दर्शन में भी मैंने माला, मैंने कहा उनको सर माला दे दो, उन्होंने दी नहीं माला। इधर घूम के जाते हैं, चप्पल लेके आते हैं अपनी, पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं यहाँ पे, पूरी हमारी चप्पल धुनिया निकाल रही है। गाइस हमने ये लिए हैं, दो कैमरा पकड़ी हुई है। तो गाइस अभी हमने सारा सामान ना इसके अंदर डाल दिया, और हमने दो लोग ले लिए खुद के लिए, एक मैं डाल लूँगा एक हितेश डाल लेगा। अभी जो सारे सामान को ना हम रखते हैं बैग के अंदर, ये मेरी चांदी की चैन है ना, ये इसमें डाल दूंगा मैं, अगर इसमें लग गया ना इसमें डाल दूंगा। गाइस अभी एक आंटी बैठी थी, उन्होंने बताया कि अंदर पानी मिल रहा है ठंडा बिल्कुल आरो का, तो ये छोटा बच्चा ही भेजा उन्होंने अपने हमारे साथ, और हम भी जा रहे हैं एक बार पानी डलवा के फिर देखते। सबसे पहले तो प्यास ही बहुत लगी हुई है, यहाँ से भर रहे हैं पानी। एक आंटी ने बताया कि यहाँ पे पानी था, और ये बताइए आप मेरा लोकेट कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मेरा ये लोकेट। तो गाइस अभी हमने थोड़े से वो गोलगप्पे खाए थे, और गोलगप्पे खाने के बाद अभी हम बैठे हैं ऑटो के अंदर, देखिए छपरी जी का मुंह। तो अभी हम बैठे हैं ऑटो के अंदर, अब हम जाएंगे झूसी से रेलवे स्टेशन से थोड़ी आगे हमारा होटल है, सबसे पहले एक बार होटल में जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है, बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस अभी हमें ऑटो वाला यहाँ पे उतार दिया है, बोल रहा है कि मतलब यहाँ बोले है कि वो बोले है कि तोका इधर से इधर जाना, तोका इधर से जाना होगा, तोका इधर से जाना पड़त एक को चले थे तुम ओते तक पहुँच जाओ, ओते तक तुम पहुँच जाओ, तोका इधर से चलना पड़त। अभी हमें जाना है इस तरफ, हमारा होटल है इस तरफ, अभी हम देख रहे हैं किसी जगह लिफ्ट मांगेंगे। भैया थोड़ी लिफ्ट दे दोगे आगे तक, बैठिए बैग दे दीजिए, हमें एक भले मानुष मिल गए गाइस, वो हमें आगे तक लिफ्ट दे देंगे। तो गाइस इन्होंने हमें थोड़ी पास तक लिफ्ट दे दी, बिल्कुल पहुंच गए बस। देखा कितने मीटर रहता है, 400 मीटर रह गया बस 400 मीटर रह गया, 400 मीटर तभी हम ये कर देंगे क्रॉस।
अगर ऑटो वाले पे जाते तो ऑटो वाला हमसे 20 रुपया मांग लेता। तो भाई लोग अभी हमारा जो होटल है वो 200 मीटर वो दूर से दिख रहा है, वहाँ पे बस खड़ी हुई हमारी 200 मीटर होगा बस सारा का सारा। तो हमें रास्ते में ये दिख गई दुकान, यहाँ पे एक अलग तरीके की मिठाई, पता नहीं मीठा समोसा कुछ था कुछ, तो हमारा मन कर गया खाने का। तो अभी देखते हैं वो खा के, हमने एक तो वो कचौड़ी बोली है, एक बोला है वो मीठा वाला वो समोसा, एक बार वो आता है उसके बाद खाएंगे दिखाएंगे आपको क्या सीन होता है, हमने पहले कभी नहीं खाया। देखो भाई लोग ये है वो जो हमने बताया मीठा समोसा, और ये है वो कचौड़ी। देखो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी लग रही है। पहले तो ये मीठा वाला देखते हैं समोसा खा के क्या है। भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार, पता नहीं कैसा टेस्ट है तो फैमिलियर सा कुछ, वैसे पहला खाया मैंने ऐसा कुछ, पर समझ नहीं आ रहा क्या बहुत ही फैमिलियर सा टेस्ट है ना, ऐसा लग रहा है पहले खाया हुआ है। काफ़ी अच्छा भी और लगा ऐसे खाया हुआ पहले। हाँ बट ये नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्या खाया हमने। अरे वो गुजिया नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा वैसा सीन है गुजिया वाला। बेहतरीन चीज़ है बिल्कुल। अभी हम सोच रहे हैं एक दो कोल्ड ड्रिंक, अपनी कोल्ड ड्रिंक रहती हैं खत्म होगी ना, एक दो कोल्ड ड्रिंक और एक दो चीज़ मतलब ऐसी छोटी मोटी खाने की बस में, हम अपनी बैग में डाल देंगे लेके अभी। तो गाइस अभी हमने वो जो था एक तो लहू, उसका नाम है लहू लता, ये हमने थोड़ा सा ना पैक भी करा लिया, या तो हम इसको रास्ते में ही चट कर जाएंगे या फिर हम इसको घर पे लेके जाएंगे घर वालों को। इतना बढ़िया था ना, मैं इसके साथ जो ग्रेवी सी थी तरी सी थी इसकी मिट्टी वाली, इतनी उम्र थी मैं तो सारी खा गया, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। मेरे को तो पता नहीं क्यों काफ़ी सिमिलर सा गुजिया जैसा टेस्ट लग रहा था। तो गाइस ये रहा वही कृष्णा होटल। क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो आप बैठे, अंदर काहे बैठे हुए? क्या बैग रखने, बैग रखने के लिए अंदर बैठोगे क्या? अच्छा नीचे तक आप रखे, आपने रखे हैं सारे बैग हैं, इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं। तो गाइस अभी देखो अगर हम आपको पूरी अपनी ट्रिप का एक बार ब्यौरा दें, तो पहले दिन तो हम गए अयोध्या। अयोध्या की अगर रेटिंग देनी हो तो हम कहेंगे 10 में से 6 नंबर, क्योंकि अयोध्या में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अब मंदिर बनने के बाद हो सकता है वहाँ पे बहुत मज़ा आए, बहुत अच्छी जगह बन जाएगी वो, बट अभी तो मुझे पर्सनली इतना मतलब नहीं लगा वो बढ़िया। हाँ ठीक, तो उसके बाद हम अब हम बात करते हैं बनारस की। तो हम अयोध्या के बाद अगले दिन गए बनारस, तो बनारस को देंगे हम 10 में से 15 नंबर। अब पूछिए 15 नंबर क्यों दे रहे हैं, ऐसे सिर्फ कहने के 15 नंबर है, हम देंगे बनारस को 10 में से 9 नंबर। फिर बनारस जो हमें लगा ना भाई साहब, क्या बढ़िया जगह है यार बनारस की, मतलब एक तो वहाँ के मतलब घाट ही घाट इतने बढ़िया। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी वो थी वहाँ के ऑटो रिक्शा वाले, वो बड़े ही पैसे ले रहे थे, मान ही नहीं रहा था कोई, सभी 150, 200, 150, 200। और वहाँ पे थोड़ी बहुत रिक्शा वाला था, बट उसके अलावा वहाँ पे जो मतलब घाट थे ना भाई, और जो वहाँ पे मंदिर टेम्पल के अंदर जो सोने की परत लगी हुई थी, मैं कह रहा हूँ कि मज़ा आ गया था भाई। बात करते हैं यहाँ की, क्या नाम है, प्रयागराज। प्रयागराज भैया हम कह सकते हैं 10 में से 8 नंबर, क्योंकि प्रयागराज में हमने मेन चीज़ करी है वो है संगम पे घूमना। आए हाय हाय हाय, संगम पे जो मतलब नदी के अंदर हम घूमे हैं ना, इतनी बढ़िया लगा ना हमें, बस बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मतलब मज़ा आ गया, पैसे पूरे हो गए वहाँ पे घूम के। और हाँ वो जो थे ना लोग वो बोल रहे थे कि हम, पहले तो एक बोला कि हम लेंगे आपको 1500 रुपये, फिर एक बोला हम लेंगे आपसे 300, 600, 800, उसके बाद लास्ट में हमारे जो बनिए भाई साहब हैं जो ये हमारे कैमरामैन हैं, हम इन्होंने बोला कि अंकुश जी आप थोड़ा पीछे रहिए हम बात करते हैं, फिर इन्होंने बोला कि हम तो नहीं देंगे, हम तो देंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। फिर लास्ट में 100 रुपये में हमने, 100 रुपये में हमने अच्छे से हमने वो किया, स्नान किया, चप्पू भी चलाया हमने, मज़ा आ गया। कैसा रहा आंटी आपका सफर? बहुत बढ़िया रहा। सबसे बढ़िया कौन सी जगह लगी आपको? जगह तो सारी अच्छी लगी, लेकिन यहाँ नहाते हुए गाइस बहुत बढ़िया। अभी उसके बाद हम गए लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में, जय हनुमान जी, वहाँ तो वो बहुत बढ़िया लगा हमें। तो चलो अब करते हैं हम इसकी ट्रिपल सीरीज को यहीं पे। अगर आपको ये वीडियोस की सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर 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 सारा, जितना बड़ा वहाँ पे संगम था ना उतना सारा प्यार देना, और जो भी मतलब यहाँ पे जिन लोगों से मैं मिला था अगर वो कोई वीडियो देख रहे हैं तो अपने आगे इसके दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर भी कर देना। मुझे तो पर्सनली ये वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलो चलते हैं अब
अपने घर की तरफ और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय बाय।